हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेकिंग लाइन अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक और मोदक रेसिपी, और आज का मोदक हम बनाने वाले हैं खोया से, जिसको मैं फ्लेवर करने वाली हूँ विद सम ड्राई फ्रूट्स। एंड जो हम सेकंड फ्लेवर आज यूज़ करेंगे वो होगा पान मोदक का। सो उसके अंदर मैं डालने वाली हूँ गुलकंद का फ्लेवर और पान का फ्लेवर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। आप इस मावा को मिल्क पाउडर और दूध की हेल्प से भी घर में बना सकते हैं, बट आज हम स्टोर बोर्ड मावा यूज़ करने वाले हैं इस रेसिपी में। सो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैंने 250 ग्राम्स मावा लेकर उसको ग्रेट कर दिया है, जितना छोटे पीसेस में हम कर सकते हैं। इससे जो उसकी हीट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है मेल्ट होने के लिए, एंड जो ओवरऑल टाइम होता है प्रोसेस का वो थोड़ा कम हो जाता है। सो हमें सिर्फ मावा को यहाँ पर हल्का सा हीट करना है ऑन वेरी लो फ्लेम, क्योंकि उसके जलने के चांसेस भी काफ़ी हाई होते हैं। आप इसको धीरे धीरे मूव करते रहिए और थोड़ी देर में ये जो मावा है ये पूरा का पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। एंड देन हम इसको कुछ देर के लिए बंद करके रख देंगे साइड में, जब तक कि जो मावा है वो आपका रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एकदम उसको चिल्ड करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन गर्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो हम इसके अंदर डालेंगे वो है शुगर। और बहुत गर्म मावा में अगर आप शुगर डालेंगे तो वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, फिर वो स्ट्रक्चर जो हमें चाहिए होता है, टेक्सचर जो हमें चाहिए होता है वो ले नहीं पाता। नाउ एज यू कैन सी कि जो हमारा मावा है ये मेल्ट हो गया है। सो यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसको मैं इसी कढ़ाई में कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर पर आने के लिए छोड़ दूँगी। नेक्स्ट मैंने डाली है यहाँ पर हाफ कप पाउडर्ड शुगर, और उसके अंदर फिर मैं फ्लेवरिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर, कार्डमम पाउडर। आप यहाँ पर मोदक बनाने से पहले जो शुगर है उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, एंड अगर आपको कम पसंद है तो आप यहाँ पर 1 से 2 टेबलस्पून कंट्रोल करके भी शुगर को ऐड कर सकते हैं। इसको एक अच्छा सा मिक्स दीजिए, एंड देन इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे हमारे मोदक। सो यहाँ मोदक बनाने के लिए मैंने ये वाला मोल्ड यूज़ किया है, और इसको अमेजोन से आप बहुत इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है वहाँ पर। सो बिकॉज हमें इसके अंदर फिलिंग करनी है, थोड़ा सा मावा का मिक्स लीजिए, उसको ऐसे प्रेस कीजिए अंदर, और मैंने यहाँ पर काजू बादाम और पिस्ता का मैंने एक बहुत ही रफली मैंने यहाँ पे ग्राइंड किया है, और उसकी मैं फिलिंग आज यूज़ करने वाली हूँ। मेक श्योर कि आप इसके अंदर जो मोदक का जो मिक्स है वो अच्छे से प्रेस करें, क्योंकि अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो वो लूज़ रह जाएगा एंड वो शेप नहीं ले पाता है। लास्ट में इसको थोड़ा सा और मिक्स लेके कवर कीजिए, उसको प्रेस डाउन करके उसको फुल ऑन साइज में शेप दीजिए, एंड वंस यू विल ओपन इट तो आपका परफेक्टली साइज्ड मोदक रेडी हो जाएगा। ये मोदक बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करता है, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को भी पसंद आएगा। सो नेक्स्ट हम फ्लेवरिंग डाल रहे हैं इसके अंदर पान मोदक की, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिक्विड कलर यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन कलर। अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर कलर लीजिए, उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कीजिए, एंड देन मिक्सचर के अंदर डालिए। जब हम लिक्विड ऐड करते हैं तो जो हमारा मिक्सचर है वो बहुत ढीला हो जाता है, तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं कुछ देर के लिए, कि जब तक कि ये हल्का सा स्टिफ नहीं हो जाता। और फिलिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं गुलकंद, तो सिमिलरली थोड़ा सा मिक्स लीजिए, उसको इस तरीके से प्रेस डाउन कीजिए मोल्ड के अंदर। हाफ टी स्पून टू 1 टी स्पून इसके अंदर आप गुलकंद डालिए, उसको कवर कर दीजिए और थोड़े से मिक्स के साथ में, एंड आपके पान मोदक भी रेडी हो जाएगा। ये मोदक दोनों ही बहुत अच्छे साउंड करते हैं, बहुत ही सिंपल एंड बहुत डिलीशियस टेस्ट है इनका। आप इनको स्टोर कीजिए और प्रसाद में आप इसको चढ़ाइए जब आप पूजा करते हैं, एंड आई विश आप सबके घर में सुख और समृद्धि लेके आए। हैप्पी गणेश चतुर्थी,
आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी. प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. लाइक, कॉमेंट एंड शेयर गाइज. बाय एवरी वन. टेक केयर.